हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजाइनिंग योर ड्रीम्स। आज की हमारी ये वीडियो स्पेशली ग्रामर से रिलेटेड है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी क्लास टू में एडमिशन लिया है। आज की वीडियो के थ्रू हम जान पाएंगे कि किस तरह से ग्रामर के टॉपिक्स हम अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें टॉपिक्स क्लियर होने में आसानी हो और वो ग्रामर के हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है। फर्स्ट वर्कशीट हम देखेंगे अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चे की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए ना हमें जितना हो सके बच्चों को वर्ड्स राइटिंग और वर्ड्स रीडिंग की प्रैक्टिस जरूर करानी चाहिए। इसीलिए यह वर्कशीट काफी इम्पोर्टेंट रखता है। इसमें जितने भी वर्ड्स बच्चे देख रहे हैं इसे उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे डोर, चेयर, टेबल, विंडो। तो इसमें सबसे पहले कौन सा लेटर आ जाएगा? ए बी सी। सी आ रहा है तो चेयर को हम पहले लिखेंगे, सी के बाद डी, डी डबल ओ आर, डोर। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी आ गया तो टेबल हम थर्ड नंबर पे लिखेंगे। एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू, विंडो। ऐसे ही अल्फाबेट्स पढ़ते हुए हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें फर्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा? बी एल यू ई, ब्लू। उसके बाद ग्रीन, जी आर डबल ई एन, ग्रीन। जी के आफ्टर आर, आर ई डी, रेड। एंड लास्ट में येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो। जैसा हमने इन दोनों को सॉल्व किया ऐसे ही बाकी के भी हम सॉल्व कर लेते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट करेक्ट प्रोनाउन इन फ्रंट ऑफ नाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन का इस्तेमाल हम नाउन के प्लेस पे करते हैं। यहाँ पर कुछ नाउन लिखा गया है, इसके प्लेस पे हम किस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे वो बच्चों को लिखना है। तो इसमें आप बच्चों से एक्सप्लेन करें कि ही का इस्तेमाल हम बॉय के लिए करते हैं, शी का इस्तेमाल हम गर्ल के लिए करते हैं, इट का इस्तेमाल हम वन एनिमल और वन थिंग के लिए करते हैं, और दे का इस्तेमाल हम दो और दो से ज्यादा लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए करते हैं। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे सूरज। सूरज क्या है? बॉय है, तो बॉय के लिए हम क्या लगाएंगे? ही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच ई ही। सेकेंड इज वुमेन, तो ये क्या है? फीमेल है, तो फीमेल के लिए हमें शी का इस्तेमाल करना है। थर्ड है मी एंड माय फ्रेंड, यहाँ पर हम अपने और अपने किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम अपने और किसी और के बारे में बात कर रहे हैं उस वक्त हम प्रोनाउन वी का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू ई वी। कैट, ये सिंगल है, एक है और ये एनिमल है, तो इसके यहाँ पर हम इट का इस्तेमाल करेंगे। अनीता फीमेल है, गर्ल, तो गर्ल के लिए हमें शी लगाना है। फ्लावर्स, एक से ज्यादा फ्लावर है तो यहाँ पर दे लगेगा। रिया एंड पिया, यहाँ पर हम दूसरे किसी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर भी दे लगेगा। इस तरह से नेक्स्ट वर्कशीट इज क्लासिफाई दी वर्ड्स स्टार्टेड विथ वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पर आप बच्चों से कहें कि अगर किसी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड वॉवेल का आता है, यानी कि अ आ ई ई का आता है, तो उस वर्ड को उन्हें वॉवेल्स के कॉलम में लिखना है, और अगर किसी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट यानी क ख ग इस तरह से आता है तो उसे उन्हें कॉन्सोनेंट्स के कॉलम में लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से बच्चों को इसे सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट है डक, इसे बोलते वक्त द का साउंड आ रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट का, तो हम यहां पर लिखेंगे डी यू सी के, डक। एलिफेंट, एलिफेंट बोलते समय स्टार्टिंग साउंड ए का आ रहा है जो है वॉवेल का साउंड, तो इसे हम यहां पर लिखेंगे। बैट ब यानी कि कॉन्सोनेंट। इग्लू, ई का साउंड आ रहा है यानी कि वॉवेल। वॉटर, इसका साउंड आ रहा है व से, तो ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट के कॉलम में। वाज, व का साउंड, इट मींस कॉन्सोनेंट साउंड। एप्पल, ए का साउंड आ रहा है जो है वॉवेल का साउंड।
एंड लास्ट है यूनिकॉर्न। यहाँ पर आप यू देखेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि ये वॉवेल में आएगा। यू का साउंड यहाँ पर क्या आ रहा है, य का, यूनिकॉर्न, यानी कि ये कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो इसे हम कॉन्सोनेंट के कॉलम में ही लिखेंगे। इस तरह से बच्चों को वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड ध्यान देना है और उसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट के कॉलम में फिल करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है कलर द एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस। यहाँ पर बच्चों को एडजेक्टिव पहचानना है और उसे कलर करना है। एडजेक्टिव यानी विशेषण शब्द जिसका इस्तेमाल हम नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं को बताने के लिए करते हैं। जैसे दिस इज अ स्मॉल ट्री, यह एक छोटा पेड़ है। तो यहाँ पर जो स्मॉल वर्ड है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि ट्री की विशेषताओं के बारे में हमें बता रहा है। तो यहाँ पर स्मॉल को हम कलर करेंगे। सेकेंड इज जया ड्रॉज अ कलरफुल बटरफ्लाई। कलरफुल बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसी है, कलरफुल है, तो यहाँ पर हम कलरफुल को कलर कर लेंगे। अमन इज अ गुड डांसर, यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है आप बताइए, यस गुड, तो इसे हम कलर कर लेंगे। नेक्स्ट के जो दो सेंटेंसेस है इसे मैं एज अ होमवर्क आप सभी को दे रही हूँ, तो इसमें आप फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव वर्ड होगा। नेक्स्ट वर्कशीट है सर्कल और अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्रीपोजिशंस जो वर्ड होते हैं ना, इसकी हेल्प से हम जान पाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है। जैसे जॉनी इज स्टैंडिंग नियर अ विंडो, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड कौन सा है, नियर, तो इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। द गर्ल इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स, गर्ल कहाँ पर खड़ी है, बिटवीन, तो बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है। इसी तरह से हम इन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। द क्लॉक इज ऑन द टेबल, वेयर इज द क्लॉक, ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है। द काउ इज बिहाइंड अ ट्री, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड कौन सा है, बिहाइंड, तो ऐसे ही बच्चों को प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट भी प्रीपोजिशन से ही रिलेटेड है। यहाँ पर बच्चों को वर्ड्स पढ़ना है और करेक्ट प्लेस पर सन ड्रॉ करना है। जैसे अबाउ द क्लाउड, यानी कि क्लाउड के ऊपर, तो कहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर, इस तरह से। नियर द क्लाउड, क्लाउड के पास। अंडर द क्लाउड, क्लाउड के नीचे। एंड बिटवीन द क्लाउड, यानी कि क्लाउड के बीच में। सो इस तरह से बच्चों को आप प्रीपोजिशंस की प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल वर्कशीट को फॉलो करते हुए करवा सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट इज राइट सी फॉर काउंटेबल एंड यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन। जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो हो जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन, और जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि वहां पर हमें यू लिखना है। जैसे सॉल्ट, सॉल्ट को क्या हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा यू, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन। कॉइन, कॉइन को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सी। मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन। हेयर, अनकाउंटेबल नाउन। वॉल, काउंटेबल। रेन, अनकाउंटेबल। बॉल, काउंटेबल नाउन। एंड द लास्ट शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट इज राइट यस फॉर सिंगुलर एंड पी फॉर प्लूरल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर बच्चों को सेंटेंसेस रीड करना है। अगर सेंटेंस सिंगुलर हमें शो कर रहा है तो यहाँ पर हमें यस लिखना है, और अगर सेंटेंस में हमें प्लूरल दिख रहा है तो वहां पर बच्चों को पी लिखना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, तो वी क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी। आई वॉन्ट अ ब्लू पेंसिल, आई सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। यू आर डांसर्स, यू का इस्तेमाल हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर डांसर्स है यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर जो यू है ये प्लूरल में है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पी। नेक्स्ट इज यू आर अ गुड बॉय,
यहाँ पर हमने क्या सीखा, यू का इस्तेमाल हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में हम सिंगुलर के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा यस। सो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए बच्चों को सेंटेंस सिंगुलर में है या प्लूरल में है इसकी पहचान करना भी सिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारे क्लास टू के बच्चों के लिए कुछ ग्रामर की प्रैक्टिस वर्कशीट। आई होप इससे आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।